जल्दी से दे दो। अब बाबू तुम कैसे करती है, करो तो बाबू करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 लगभग, और हम लोग शावर वगैरह ले चुके हैं। यहाँ बहुत जल्दी शावर ले लेते हैं तो, क्योंकि सब कोई बहुत जल्दी उठता है, इसी का सुबह सुबह स्कूल जाती है तो इस वजह से उठ ही जाते हैं। तो बहुत ही तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सुहाना हो रखा है मौसम। और जैसे कि हम लोग ओल्ड की, आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मतलब मैं जब यहाँ पे आई, मुझे उतना ओल्ड पसंद नहीं था, बट मासी मुझे 2 बार बना के खिलाई, बहुत ही टेस्टी। और फिर उसे ओल और सूरन दोनों कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सोच के फिर मैं आज, मासी जब बोली कि मैं बनाने वाली हूँ ओल, तो मैं सोची कि क्यों ना रेसिपी शेयर किया जाए। तो ओल जो है बेसिकली वो मौसी की रेसिपी है, और ओल को सूरन भी कहते हैं बहुत जगहों पे, पर बिहार झारखंड में लगभग ओल ही कहते हैं। कुछ लोग सूरन भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते हैं, पर ज़्यादातर ओल कहते हैं। तो ओल भी जो होता है ना, वो 2 तरह का ओल होता है, मैं आप लोगों से बता दूँ। एक ओल होता है देसी ओल और एक होता है मद्रासी ओल। तो जैसे कि देसी ओल जो होता है ना, जब आप उसे छीलेंगे या आप उसे बनाएंगे ना, तो जैसे छीलने समय भी आपके हाथों में ना इचिंग सा होने लगता है, और वो खाने से तो गले में इचिंग सा हो जाता है, इतना वो खट्टा वगैरह डाल के बनता है। तो वो खट्टा डालने के बाद भी होता ही है हल्का, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पर ये जो मद्रासी ओल होता है ना, उसका भी टेस्ट कम नहीं होता, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम बहुत ही टेस्टी। एक बोल सकते हैं आपकी जैसे चिकन खाने में लगता है ना, मस्त मौसी बनाती है, तो उस टाइप का। तो ये आपको इचिंग नहीं लगेगा गले में या हाथ में, ऐसा कुछ इरिटेशन फील नहीं होगा, तो आप आराम से खा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर ही दी जाए, तो चलिए वो रेसिपी शेयर करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई, आपने सुना होगा कि कोई भी दाल की वड़ी बनती है जिसकी सब्जी बनती है, जैसे कि चना दाल एंड उड़ीद दाल की वड़ी। तो उड़ीद दाल की जो वड़ी होती है, मतलब तूर दाल भी कहते हैं उसे, तो वो जो उड़ीद दाल है, उड़ीद दाल की वड़ी की आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत स्पेशली चटनी, जो चटपटा सा लगता है, वो शेयर करने वाली हूँ। और चटनी की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जैसे कि उड़ीद दाल की वड़ी तो लोग घर पे भी बनाते हैं, आपको मार्केट में भी रेडीमेड वड़ी मिल जाती है पैकेट वाली, तो आप उसका भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, लाजवाब चटनी बनती है। तो मैं ये दोनों रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चटनी तो इतना झटपट बन जाएगी और इतना ही, मतलब खाने में इतना टेस्टी लगता है कि कहना नहीं। तो चलिए ये दोनों रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो आज हम लोग उड़ीद दाल का चटनी कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये उड़ीद दाल का बड़ी है देखिए, और ये बड़ी को अभी हम लोग फ्राई करेंगे ऑयल में, हल्का ऑयल में इसे फ्राई करना है, जिसके लिए हमने ऑयल भी गरम कर लिया है। यहाँ देखिए ऑयल गरम हो चुका हाँ, है, हाँ, हाँ, रुको। और उसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से इसे हमें फ्राई कर लेना है, और इसमें हम लोग लहसुन और मिर्च भी ऐड करेंगे, इसे फ्राई होने देते हैं, गोल्डन ब्राउन हल्का करना है। और ये देखिए इसमें लहसुन और ये मिर्च जो कि हमने इस तरह से रखा है, इसे भी फ्राई करेंगे। देखिए ये पहले फ्राई हो जाए, और सुखी को देखिए देखो गिर मत जाना, देखिए ऊपर चढ़ के बैठ गई है, ये देखिए कहाँ बैठी है, बैठ गई है ऊपर में। तो ये बड़ी जो है बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है, देख ही रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल व्हाइट था, ये उड़ीद दाल का वड़ी था, और बस इसे हमने फ्राई करके इस तरह से निकाल लिया है। और जो लहसुन और मिर्च है ये भी हम लोग इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देखिए तो ये ऐड हमने कर दिया है, इसे हल्का फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई हो रहा है, तो ये देखिए ये फ्राई हो ही गया है लगभग, तो बस हम लोग और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ओके, बिल्कुल फ्राई हो गया है, हम लोग इसे भी निकाल लेंगे ऑयल से। तो इसका मेन यही है कि आपको लहसुन और मिर्च ये दोनों फ्राई कर लेना है ऑयल में, उड़ीद दाल का बड़ी जो आपने देखा उसे भी हमने फ्राई कर लिया है। और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है,
और ये मैं आपको दिखा दूँ बड़ी, देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। तो अब हम लोग इसे पीस लेंगे मिक्सर में। और ये चटनी बनाने के लिए जो हमने आज चटनी आपके साथ शेयर किया है वो लहसुन मिर्च और उड़द दाल का वड़ी का। तो जार एकदम सूखा रहना चाहिए, उसमें आपको ऐड कर देना है इस तरह से। और ऐड करने के बाद उसमें कोई वाटर हम अभी ऐड नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी लगती है चटनी, तो इसे जार बंद करके इससे एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं। देखिए ये उड़ीद दाल की वड़ी की चटनी है और इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। मिक्सर जार में ऐड करने के बाद इसे उसी तरह से ड्राई ही आपको इस तरह से मतलब पेस्ट टाइप का बनाना होता, पर पेस्ट नहीं बनता, ये हल्का जैसे दरदरा टाइप से। देखिए और लहसुन और जो मिर्च रहती है उसकी मॉइस्चराइजर हल्का रहता ही और ऑयल में फ्राई होता है, तो इस तरह से ये बन जाता है। ये देखिए, और इसमें नमक भी हमने उसी समय ऐड कर दिया था पीसने के समय में। तो ये बहुत अच्छी लगती है ये चटनी, तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। आज हम लोग ये ओल की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि ओल की सब्ज़ी कैसे बनाएं। ये ओल है जो कि हमने बॉईल कर लिया है, ये मद्रासी ओल है। मद्रासी ओल जो होता है ना वो मतलब मुंह में आपको काटता नहीं है, और एक देसी ओल होता है तो बहुत वो मुँह में काटता है, मतलब लगता है थोड़ा। और ये ओल है। ओल को हमने बॉईल कर लिया था और इसके साथ पटेटो भी बॉईल किया है, और इसे इस शेप में आप जैसे भी चाहें कट कर सकते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है और अब इसे हम एकदम डीप फ्राई जैसे आप और पटेटो भी, यहाँ बहुत जगह में ओल बोला जाता है, बहुत जगह में सूरन भी बोला जाता है शायद, तो यही है। और इस तरह से हमने बॉईल करके रख लिया है और यहाँ पे गैस ऑन करके रखा है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो बस हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ऐड हो रहा है और एकदम गोल्डन ब्राउन करना है इसे अच्छे से, तभी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये सब मेरी मासी का रेसिपी है, बहुत अच्छा ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है, मैं खाई भी हूँ। तो एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अभी इसे हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से, जैसे आप मछली वगैरह फ्राई करते हैं ना उस तरह से इसे फ्राई करना है। देखिए सब्जी भी बन रहा है और ये यहाँ पे स्लेब पे चढ़ के बैठ गई है, यहाँ पे बैठा हुआ ऐसे ही करती है, यहाँ पे बैठ जाती है और उसके देखेगी कौन क्या कर रहा है। देखिए मोबाइल मांग रही है ऐसे ऐसे करने के लिए देना। बहुत बदमाश है लड़की, देखिए गिर जाएगी वहां से। रुको दे रही हूँ रुक बैठ यहीं पे। क्या बन रहा है बताओ तू? चौमिन है, सब कुछ है इसके लिए, बस और कुछ नहीं है। चौमिन ओल बोल दो, चिकन सब्जी इसे चिकन बोलती। ओल जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हम लोग इसे निकाल ले रहे हैं। इसे सूरन भी बोलते हैं बहुत जगह पे। इस तरह से एक बार सब्जी बनाइए, ये बहुत तरीके से बनाया जाता है, बट इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसमें भी दो तरह का मिलता है मार्केट में, एक देसी और एक ये मद्रासी। मद्रासी वाला आप आराम से खा सकते हैं क्योंकि वो मतलब आपके स्किन में काटता वगैरह नहीं है, तो अदरवाइज आप खाएंगे तो आपको वो मतलब गले में लगता है थोड़ा, पर ये नहीं लगता है। तो हम लोग और भी फ्राई करेंगे, इसी तरह से ऐड कर देंगे। तो टोटल सूरन जो भी है, ओल सूरन जो भी, जहाँ पे जो भी बोला जाता है, ये टोटल अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है पहले। तो देखिए ओल बिल्कुल अच्छे से हमने फ्राई कर लिया, तो टोटल ओल जो था वो फ्राई हो चुका है और बस हम लोग इसे निकाल लेंगे। और हम लोग इसका मैं बता दूँ, अब आलू जो कि हमने बॉईल करके रखा है, ये देखिए बॉईल आलू है, कट कर लिया है, आप जैसा काट चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। तो ये भी हम लोग इसी ऑयल में फ्राई करेंगे, तो थोड़ा सा हम और ऑयल ऐड कर रहे हैं। और ऑयल ऐड करने के बाद ये जो पटेटो है वो ऐड हो जाएगा, और इसे भी बिल्कुल उसी तरह से गोल्डन ब्राउन अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए आलू जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है एकदम, और बस हम लोग इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखिए ये आलू और सूरन मतलब ओल, ये दोनों फ्राई हो चुका है अच्छे से, एकदम डीप फ्राई हमने किया है, और मसाला भी हमने तैयार करके रखा है। देखिए तो इस तरह से आपको मसाला
मसाला भी हमने तैयार करके रखा है, तो इस तरह से आपको मसाला तैयार कर लेना है। और इसमें क्या क्या है? जीरा गुलकी, जीरा गुलकी, लहसुन, धनिया, मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर। और हम लोग इसमें हल्दी भी ऐड कर दे रहे हैं, जो कि हमने नहीं किया था। तो ये देखिए, दो चम्मच, छोटी चम्मच से। और नमक, जो कि हम स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर देंगे। और एक तरफ प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, तो प्याज भी फ्राई हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। और अब हम लोग इस मसाले को ऐड कर देंगे। तो मसाला ऐड करने के बाद हमें मसाला जले ना, उसके लिए हम लोग मसाला वाला जो, तो ये देखिए मसाला में हमने हल्का सा पानी ऐड किया है, जिससे कि मसाला जले नहीं। और अब हम लोग इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसमें हम लोग टमाटर भी ऐड कर देंगे, मसाला भी मसाला के साथ। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, सब्जी का मसाला फ्राई हो रहा है देखिए। और इधर कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। देखिए तो ये ऑयल, एकदम हल्का ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग दाल छौंक लगाने वाले हैं। तो ऑयल को गर्म होने देंगे। तो बस इसमें हम लोग ऐड करेंगे मिर्च, मिर्च हल्का सा गल जाए। तो मिर्च जो है वो चटक रहा है, तो बस हम लोग इसमें ये ऐड कर देंगे। प्याज का कुछ टुकड़ा जो हमने कट करके रखा है, ये प्याज का टुकड़ा ऐड हो गया है। और उसको भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब मसाला हल्का फ्राई हो चुका है, तो हम लोग एवरेस्ट का चिकन मसाला जो है इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा ऐड कर दिया है हमने, और इसे भी फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए ऑयल किस तरह से सेपरेट हो रहा है। और इधर देखिए हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और इसे फ्राई कर लेंगे। हम लोग टमाटर हल्के जला देंगे, मसाला जो है बिल्कुल फ्राई हो रहा है अच्छे से। और दाल का भी यहाँ पे मसाला तैयार है, बस हम लोग दाल जो है वो ऐड कर देंगे। तो हम लोग इसमें कुछ मसाला ऐड नहीं किया है, नॉर्मली जैसे दाल बनाते हैं नमक हल्दी के साथ वैसे बनाए हैं, हींग डाल के। और फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से सिर्फ तड़का दे रहे हैं, कोई मसाला नहीं, नॉर्मल तड़का है। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, और कुछ मसाला नहीं है बट अच्छा लगेगा। दाल फ्राई हो गया है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गर्म है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल तरीके से बट बहुत अच्छा लगता है। और इसमें रहर, मसूर, मूंग, ये तीन। तो देखिए ये मसाला जो है बिल्कुल फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इसमें जो हम लोग फ्राई करके रखे हैं ये पटेटो और ओल, ये ऐड कर देंगे टोटल एक बार में। तो देखिए सब्जी ऐड हो चुका है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद हम लोग इसे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे, तो इसमें मसालों का जो फ्लेवर है अच्छे से आ जाए। एक बार अच्छे से कोट कर लेंगे, और एक बार इसे फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए ये हल्का फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसमें इसे हम पकाएंगे। ये ऑलरेडी पका हुआ है, बट थोड़ा सा पानी इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं, हाफ ग्लास के लगभग। और इसे इस तरह से मिक्स करके, और इसे हम लोग अच्छे से पकने देंगे। एक एक तरह से बॉईल हो रहा है, तो एकदम अच्छे से इसी तरह से इसे पकने देंगे, जब तक इसका पूरा वाटर सूख ना जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। तो इसी तरह से हम और एक से दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये सूरन की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
देखिए एकदम सूखा सूखा, तो बस हम लोग का ये बनकर रेडी हो गया है। और हम लोग दो सेकेंड, जैसे बिल्कुल हो चुका है और कितना अच्छा बना है आप देख सकते हैं, तो इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो बस अब हम लोग इसे गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए ये सूरन की सब्ज़ी मतलब ओल की सब्ज़ी बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग। एकदम हमने सूखा मतलब एकदम ड्राई बनाया है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बन चुका है हम लोगों का, वन मिनट। यस, और ये चटनी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सॉरी तो ये छोले हैं। और ये मैं देखिए दाल जो बन चुका है, राइस बन चुका है, रोटी बन चुका है, एंड ये चटनी जो मैंने बताया था आपको, ये देखिए उड़ीद दाल और वड़ी की मतलब उड़ीद दाल की वड़ी की चटनी है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया सभी खाना यहाँ बन चुका है, मतलब यहाँ पे इतना टाइम ही सब काम होता है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब 9:30 बजे तक टोटली काम, मौसी इच एंड एवरी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का काम कर लेती है, कहना नहीं पूरा काम। उसके बाद देखिए ये पूरा अच्छे से बोलिए मुझे, और इसका हल्का शरीर बहुत गर्म गर्म जैसा लग रहा था, तो मासी बोली इसे नहीं नहलाऊंगी आज, बट ये पानी देख के जैसा लगता है उसमें डूब जाएगी, मुझे नहाना है। फिर नहाई है मासी, उसका माथा भीगने नहीं दिए। फिर देखिए तैयार हो गई, बाबू खड़ी हो, ये दिखाएगी ना मुंह, जल्दी खड़ी हो जल्दी, उसे चाटेंगी तो खत्म हो जाएगा। और देखिए जब हम तैयार होंगे ना तो बोलेगी मुझे तैयार करो, उसी समय बोल दी मासी, बोली जब कपड़ा चेंज करेगी ना तब तैयार होना। देखिए ये देखिए तैयार हो गया, चाट गई है, देखिए हल्का हल्का लगा हुआ है, अच्छी लग रही है ना, थोड़ा दिखा दो, हाय बोल दो, तो थोड़ा फ्लाइंग किस दे दो, एक तो दे दो, फिर मुंह लगा दूंगी, फ्लाइंग किस दे दो जल्दी से, जल्दी से दे दो। और कैसे करते हैं, और हमको किसी दे दो एक तो, देखिए कितना प्यार से दे दो। और इसी तरह उसका मस्ती चल रहा है, देखिए यहाँ पे लेट गई है, और मौसी बोले इसको घर में रखो, बारिश जैसा मौसम हुआ है बट बारिश हो नहीं रही है, और ये बाहर निकलती है थोड़ा फीवर जैसा है ना, बच्चे मानती नहीं है, तो इसको घर में अभी हम लोग पैक करके रख दिए हैं। और देखिए मैंने कुछ हेयर स्टाइल थोड़ा सा अलग किया, एकदम हल्का सा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था पहली बार, क्योंकि मैं बाल जो होती है ना मैं हेयर पे कुछ ज़्यादा अपना ट्राई नहीं कर पाती हूँ, मतलब किसी दूसरे का रहे तो मैं बना भी दूँ बट अपने में मेरे हाथ से बन ही नहीं पाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, हो ही नहीं पाता, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता, बट आज ऐसे बैठी हुई थी कुछ कर रही थी तो मुझे ये अच्छा लगा, तो बस इस तरह से मैंने हल्का सा ये कर लिया, तो ये सही में अच्छा लग रहा था। तो बस अभी सब काम तो मौसी का ख़त्म हो चुका है, और नाश्ता भी हम नहीं किए हैं, मौसी बोली खा लो बट अभी नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है, तो नाश्ता करते हैं और फिर कुछ बातें करेंगे। तो देखिए बाबू को हाय बोलो, बाबू हाय बोल दो, हाय बोल दो, कैसे हैं आप लोग, पूछो बोलो बोलो बोलो, कैसे हैं आप लोग, नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे, क्या खा रहे हो, कुछ नहीं बोलेगा। तो ये मासी का जो मौसी की जो गोतनी है उनका बेटा है, ये भी बहुत छोटा सा है, बहुत मासी ये भी करता है फुलटू धमाल, ये दोनों मिल के घर में धमा चौकड़ी मचा के रखते हैं, तो दिन भर ही लोगों का यही काम है। तो देखिए मुझे अपना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो मगर मुझे अच्छा लग रहा है, इस तरह से मैंने बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी मैं बैठी हुई हूँ और यही देख रही थी अपना हेयर स्टाइल, आज बहुत दिनों के बाद मैं बिंदी खाने का मन किया था, मैंने बिंदी भी खाया। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको देखिए तो फ्लाइंग किस दे दो, घूमने जाना है ना। देखिए क्या क्या देखती है। एक तो किस दे दो बाबू, कैसे करता है बोलो, कैसे करता है करके दिखा दो तो। देखिए और मोबाइल में कैसे करता है दिखा दो, मोबाइल थोड़ा
मोबाइल दिखा दो, देखिए लो कैसे करेगा। फोकस करो यार, देखिए देखिए। अब बाबू तुम कैसे करती है, करो तो बाबू करो। तो ये देखती है लिपस्टिक लगा के, वो लोग करता है ना, फिर बोलती है कि मुझे भी लगा देते, मैं भी कर दूंगी। और वो करती रहती है, उसको पता नहीं कितना अच्छा लगता है, पता नहीं। तो बस इसी तरह से चल रहा है। और हाँ देखिए, मैंने ये जो खरीदा था ना, ये ब्रेसलेट टाइप चूड़ी है, बट ये इतना अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया था। और इसका एक भी कलर का कभी तक नहीं गया है। ये फोकस करो, फोकस 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 फोकस, या ये कड़ा टाइप का है, बहुत ही प्रिटी सा है और एकदम गोल्ड। तो मतलब इतना अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा देगा, मतलब वो दुकान वाले देंगे। वो अंकल ने कहा कि आप लो, एक भी कलर नहीं जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो कितने दिन से पहन रही हूँ और ये अभी तक एक जरा सा भी नहीं गया है, मतलब। और मुझे ये बहुत ही पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। तो बस इसका वही सब चल रहा है, वही सब देख रही है। और बस कभी पोएम रेम्स ये वो यही सब करती है मोबाइल पे। तो बस अब तो देखिए आज का हम लोगों का नाश्ता है रोटी, समोसा, छोले एंड ये समोसा का सब्जी है, आलू का कुछ है ग्रेवी, और वो चटनी एंड ओल की सब्जी। तो ये हमारा आज का नाश्ता है। तो कल के बाद मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज मॉर्निंग का बज रहा है 11:30 समथिंग, और हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम लोग बैठे हुए हैं। तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रुचि लाइफ स्टाइल को, और मेरे वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है। आई होप अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो चलिए बाय, एंड फिर मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।